हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी लाते रहता हूँ। वर्ग 3 की आपकी तैयारी चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होते हैं उन पर वीडियो बनाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक बहन ने सवाल किया था कि सर, हम अब जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें बहुत से जो प्रश्न हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनके आंसर तो हम ये है कि हमें याद से हो गए हैं, और उनके आंसर भी देते हैं तो वो करेक्ट ही आते हैं, तो इसका कोई सलूशन है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपको ये लग रहा है कि कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी बुक से आप एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप उनके आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपकी पढ़ाई सबसे अच्छी चल रही है, कि आप स्वयं इतने पेपर हल कर चुके हैं, इतने टेस्ट दे चुके हैं कि अब जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो भी रिपीट हो रहे हैं और उनके आंसर आप लगातार लगाते चले जा रहे हैं, तो यहाँ आपकी पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। अब आप नए क्वेश्चन कहाँ से हल करेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि आपके जो कोर्स होता है उनमें से ही वो टेस्ट सीरीज या फिर आप कोई भी एग्जाम पेपर जो मार्केट में मिलते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज के नाम से ही आते हैं, उन्हें लेकर आती हैं, तो डेफिनेटली उसमें से बहुत कुछ रिपीट हो जाता है दोस्तों। अब इसमें एक सलूशन आप ये कर सकते हैं कि ऐसे आप चार फ्रेंड्स हैं, तो चारों ही फ्रेंड जो हैं, कोई भी एक एक पेपर यदि आप टेस्ट के रूप में बनाएं, जैसे कि इंटर में हमारे सर ने हमें एक काम दिया था लास्ट में, ओल्ड एग्जाम पेपर जब हम हल करते थे, उसके अलावा भी कि आप चार दोस्त हो तो चार एग्जाम पेपर अपने घर से बना के लाओ जो कि टेस्ट हो, और एक दूसरे को दो और एक दूसरे का टेस्ट लो कि किसकी अच्छी से तैयारी है, तो वो हम अदला बदली करते थे, उससे भी हमारा हो जाता था। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, यदि आप चार फ्रेंड हो तो खुद ही अपने जो है ओल्ड एग्जाम पेपर के नाम से बना सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ सकते हो, उससे भी आपकी तैयारी बेहतर होगी दोस्तों। क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है और जितने भी ओल्ड एग्जाम पेपर हैं या जो टेस्ट है, उन्हें जितना आप हल करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा दोस्तों, और कॉन्फिडेंस का ही पूरा खेल है। एक इंसान 16-16 घंटे पढ़ के भी जाता है और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है तो वो अपने नंबर कम ले आता है, जबकि उसे याद सब कुछ होता है। और एक इंसान जो कि 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ा है लेकिन उसे कॉन्फिडेंस है, अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा है, तो उसी 6 घंटे या 4 घंटे की पढ़ाई से वो अच्छा स्कोर ले आता है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप कोई भी ओल्ड एग्जाम पेपर या टेस्ट सीरीज हल करते हैं दोस्तों, हाँ, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और यदि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो खुद को शाबाशी दें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कि आपने इतने टेस्ट दे रखे हैं कि अब जो क्वेश्चन है कोई भी रिपीट आता है तो आपको उसका आंसर भी पता है और आपका स्कोर भी बेटर होता चला जा रहा है, तो यही आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों। तो इससे कोई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, इससे खुश हो कि आपने कितनी अच्छी तैयारी अब कर रखी है, बस अब तो एग्जाम की देरी है, आपके बेस्ट नंबर आएंगे ही आएंगे, तो इसी को आप कंटिन्यू रखें दोस्तों, और जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं वही स्पीड बनाए रखें, एग्जाम तक 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।